फवाद और तहमीना के जाने से मेरा दिल ही टूट गया। सबा और उसकी दादी अलग थलग रहती हैं, घर में वो पहले जैसी बात ही नहीं है। परेज भी बहुत चुप चुप रहता है। शाहनवाज अम्मी के साथ बैठे हैं तो मैं यहाँ आ गया। कोशिश करना कि आइंदा मेरे घर मत आओ। मुझे लगता है कि हमें अपने ताल्लुकात बेहतर कर लेने चाहिए, इसी में बेहतरी है। कुछ रिश्ते कभी टूट नहीं सकते। जेबू के घर जाना जरूरी था क्या? क्या देखना चाहते थे कि वो किस ठाट बाट से रह रही है? तुम बिला वजह इस बात को इशू बना रही हो। जेबू अब शादीशुदा है, अपने शौहर के साथ रहती है। शुक्र है तुमने इस बात को तो तस्लीम किया। अनाया की माँ की कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही, वो अपनी अम्मी को पहचानती तो है ना? नहीं खाला, और अब अनाया की माँ मैं हूँ। आप छोड़े ना उस औरत की बातें, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती।